भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से है सीट पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है। समय समय पर साध्वी प्रज्ञा के धुर विरोधी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की साध्वी प्रज्ञा और बीजेपी को लेकर बयानबाजी जारी है। दिग्विजय सिंह के द्वारा मसूद अजहर को लेकर दिए गए बयान पर जो साध्वी है उन्होंने आरोप लगाया है कि वह आतंकवादी के नाम के आगे भी जी लगाकर बात करते हैं और सम्मान देते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने विपक्ष को आतंकवाद का समर्थन देने वाला दल बताया। वहीं उमा भारती के द्वारा सम्मान दिए जाने वाले बयान को लेकर प्रज्ञा ने कहा है कि उमा भारती मुझसे बड़ी हैं, वह मेरा सम्मान करती हैं। गौरतलब है कि उमा भारती से प्रज्ञा को लेकर तुलनात्मक प्रश्न किए जाने पर उमा भारती ने प्रज्ञा पर तंज कसते हुए प्रज्ञा की तुलना में खुद को मूर्ख प्राणी बताया था। सभा प्रत्याशी प्रज्ञी साध्वी प्रज्ञा साध्वी हमारे साथ में है, चलिए उनसे जानते किस तरीके से चुनाव प्रचार रहेगा। दीदी बिल्कुल, आज मेरा नरेला क्षेत्र है, आपके पास कार्यक्रम आ गया है और आज हम वहाँ जा रहे हैं अपने प्रचार के लिए और बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो देशभक्ति से ओतप्रोत लोग हैं, ये निश्चित रूप से जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको निश्चित रूप से पराजित करेंगे। समय समय पर दिग्विजय सिंह को टिप्पणी करते रहते हैं, मसूद अजहर के लिए उन्होंने बोला है कि यदि उनके लिए श्राप दे दिया होता तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी होती। क्या है ये जो शहीदों का अपमान करने वाले लोग, सैनिकों की कार्रवाइयों, सैनिकों के बलिदान का अपमान करने वाले लोग और सैनिकों के कार्रवाइयों पर, दुश्मन देशों के लिए की गई कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोग किस मुंह से ये बात, किस नैतिकता से ये बात करते हैं? भगवानी उमा भारती जी बिल्कुल आएंगी। तो यदि प्रज्ञा साध्वी आज नरेला क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी, दिग्विजय सिंह के लिए जो टिप्पणी की थी मसूद अजहर को लेकर उन्होंने कहा है कि यह सैनिक की अनैतिकता की समय समय पर बात करते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं, देखते हैं किस तरीके से इनका चुनाव प्रचार किस नकारसिद्ध होता है और कहां कहां साध्वी जी कितने साध्वी जी की मेहनत कितना रंग लाती है, प्रज्ञा की मेहनत कितनी रंग लाती है, बीजेपी सीट यहां से निकलती है। इस तरीके से ये चुनाव बड़ा रोमांचक होता जा रहा है, रोमांचक हो रहा है। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।